हे गाइज, मेरा नाम देव और आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी कंप्यूटर के अंदर TPM को चेक करना सीखेंगे। तो जो आपका TPM है, इसका पूरा नाम है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। तो जो आपका TPM तकनीक है, यह हार्डवेयर आधारित संबंधित कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने सिस्टम में अपने TPM को कैसे चेक करेंगे। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करके आपको अपने रन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपने रन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर दिया है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है tpm.msc। TPM का पूरा नाम है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है msc। तो जो आपका रन कमांड है, आप चाहें तो इसके अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं, या तो आप चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी आप इस कोड को लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। ओके करते ही आपका ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइप है स्पेसिफिकेशन वर्जन 2.0। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है स्टेटस और नीचे यहाँ पे टाइप है द TPM इज रेडी फॉर यूज। तो जो मेरा सिस्टम है, इसके अंदर मेरा TPM है जिसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ओके, तो अगर आपके सिस्टम में भी TPM होगा तो यहाँ पे लिखा होगा द TPM इज रेडी फॉर यूज, और यहाँ पे लिखा होगा स्पेसिफिकेशन वर्जन 2.0। ओके, तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को TPM को चेक करना बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।